दोस्तों, आज मैं आपको हर प्रकार के बुखारों को दूर करने वाला आयुर्वेदिक औषधि अमृतारिष्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो वास्तव में पुराने से पुराने बुखारों में अपने नाम के अनुसार अमृत की तरह काम करता है। गुण और उपयोग। अमृतारिष्ट के सेवन से पुराना ज्वर, ज्वर आने से निर्बलता, मलेरिया ज्वर, संतत ज्वर, एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बाद आने वाला ज्वर, रस रक्तादिगत धातुगत ज्वर, प्लीहा तथा लीवर जन्य पांडु ज्वर, कामला ज्वर तथा बार बार छूटकर होने वाले ज्वर दूर होते हैं। अधिक दिन तक जाड़ा देकर आने वाले ज्वरों में प्लीहा तथा लीवर की वृद्धि हो जाने से ज्वर का प्रकोप विशेष हो जाता है और मंदाग्न, भूख न लगना, शरीर में रक्त की कमी, दुर्बलता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अमृतारिष्ट अमृत के समान गुण करता है। इसके साथ में सुदर्शन चूर्ण का भी उपयोग करना चाहिए, इससे रोगी बहुत शीघ्र निरोग हो जाता है। अमृतारिष्ट में गिलोय या गुर्च की प्रधानता है, अतः इसके गुण भी इसमें अधिक पाए जाते हैं। इसलिए मूत्राशय की कमजोरी के कारण यदि बार बार पेशाब की शिकायत हो गई हो तो यह उसे भी दूर करता है। सुजाक और उपदंश रोगों में भी यह सौम्य तथा रक्तशोधक गुणयुक्त होने के कारण दिया जाता है। जीर्ण ज्वर अर्थात पुराना ज्वर के कारण मंदाग्न हो जाती है, जिससे रस रक्त धातुएँ ठीक एवं उचित मात्रा में नहीं बनती। अतएव शरीर में रक्त की कमी हो जाने के कारण देह पीली अर्थात पांडु रंग की हो जाती है। इस अवस्था में यकृत एवं प्लीहा वृद्धि हो जाने से पित्त का स्राव अच्छी तरह नहीं हो पाता, अतः पेट में दर्द, अन्न नहीं पचना, पेट में आवाज़ होना, पेट की गैस का बाहर न निकलना आदि उपद्रव हो जाते हैं। पतले दस्त भी आने लगते हैं। ऐसी हालत में अमृतारिष्ट के सेवन से शीघ्र लाभ देखा गया है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रथम आमाशय पर होता है। यह पाचक पित्त को उत्तेजित कर पाचन क्रिया को ठीक करता है तथा भूख को बढ़ाता है। साथ ही रंजक पित्त को भी जागृत कर रक्त कणों की वृद्धि करते हुए शरीर की कांति अच्छी बना देता है और यकृत प्लीहा की वृद्धि को रोककर शरीर को निरोग बना देता है। प्रसूति ज्वर में इसका उपयोग दशमूलारिष्ट के साथ करने से विशेष लाभ होता है। मात्रा 15 से 30 ml तक बराबर जल मिलाकर भोजन के बाद सुबह शाम दिन में दो बार सेवन करें।